जगरौ जुग धर्म पालौ वंदे जगत्प्रिय करौ करुणावतारौ कुछ कलश धरार्ता केसरी क्षीण मध्या विपुल तर नितंबा पक्व बिंबा धरोष्ठि चरणमयि वयस्माकंध विन्यस्तहस्तो निधुवन् रसकुञ्जं जातिराधारनिकुञ्जं ओं नमः परम हंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादिन् नवलक्षणरक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धारं नमामि तत् जय श्री रूक्षनाथन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ये छय गुसाई करि चरण वंदन जाहिं ते विघ्न नाश विष्ट पुरन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की सुभाष पंडित की सकल आचार चरण की ब्रजरानी राधा रानी की श्री लाडली लाल की श्री प्रिया प्रियतम की श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारी सरकार की श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नितारि गौर हरि हो। परम मंगलमय अकारण करुणा करुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को विलाप पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विलाप पुष्पांजलि श्लोक संख्या 89 लज्जया लिपुरतः परतो मां गह्वरं गिरिपतेर्वत नित्या दिव्यगानमपि तत्स्वरभेदं शिक्षयिष्यति कदा शतये त्वम् समझ किए थे प्रिया जी की एक अभूतपूर्व लीला। साधक के हृदय में नित्य निरंतर लीला का स्मरण होता रहता है। किंकरी भावापन श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी की एक एक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। कभी कभी भक्त लोग भी हट करते हैं तो प्रिया जी अपने प्रेमी भक्तों की हट पूरा करती हैं। इस श्लोक पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं कि मैं देखता हूँ कि हमारी हट पूरी प्रिया जी पूरा करती हैं कि नहीं, और प्रिया जी भी अपनी सखी मंजरियों की प्रत्येक इच्छा को पूरा करती हैं।
क्योंकि भगवान का अवतार होता है भक्तों की इच्छा पूरा करना। तो प्रिया जी की सेवा में है तुलसी मंदिरी की इच्छा है कि प्रिया जी हमें कुछ शिक्षा दें। तो गुप्त शिक्षा दिया जाएगा, सभा के बीच में तो दिया नहीं जाएगा, एकांत में ले जाना पड़ेगा। वही श्लोक यहाँ पर कहते हैं कि हे सदैव हे दयाशील हे दयान्विति हे किशोरी जी महारानी बत कदा त्वम लज्जया हाय तुम कब लज्जा बस सखियों के सामने से दूर लज्जया आली पूरता हो। आली कहते हैं, आली कहते हैं गोपियों को। तो गोपियों से दूर गिरिपते गह्वरम माम नीत्वा हमको गिरि गोवर्धन से दूर अर्थात किसी गुफा में ले जाकर दूरे गोवर्धन गोवर्धनस्य गह्वरम माम नीत्वा किसी केली निकुंज के भीतर ले जाकर के आप मुझे दिव्य गानम अपित्वत स्वर भेदम शिक्षयसी। आप ले जाकर कुछ निकुंज रहस्यमय गीत हमको सुनाएंगे सिखलाएंगे। प्रिया जी ही सभी सखी मंजरियों को शिक्षा देती है कैसे सेवा करना चाहिए। सेवा की अधिष्ठात्री देवी प्रिया जी हैं। प्रिया जी से ही जगत में सेवा की परिपाटी आई। नंद नंदन श्री कृष्ण भी सेवा करते हैं प्रिया जी के इच्छा से, तो प्रिया जी सिखलाई है उनको सेवा करनी। तो जब रति मंजरी पूछती है प्रिया जी से कि हमको कुछ सिखलाई है, तो प्रिया जी लज्जा लज्जालि पुरतः परतो गिरिपते गह्वरम नीत्वा। प्रिया जी केली निकुंज की रहस्य बतलाएंगी, कहाँ बतलाएंगी, तो सखियों से दूर जाकर के गह्वर वन में दिव्य गान सिखलाती। देखिए निकुंज की आराधना यही प्रिया जी को गीत गा करके सुना है। तुम विद्या सखी का एक काम गीत गाती। तो भक्त प्रेम चेष्टा देखी कृष्ण चमत्कार। जब प्रेमी महापुरुष भगवान से प्रेम करते हैं तो उनकी प्रेम की चेष्टा को देख करके श्री कृष्ण के हृदय में भी वह चमत्कारी भाव उत्पन्न हो जाता है। श्री कृष्ण को भी पता नहीं चलता है भक्त हमसे कितना प्यार करते हैं। प्रेम की परिपाटी भी श्री कृष्ण भक्त से ही सीखते हैं और मंजरियों की सेवा परिपाटी को देख करके प्रिया जी भी चमत्कृत हो जाती है। कैसी सेवा किया जाता है देखिए निकुंज में तो केवल सेवा ही सेवा है, वहां माला तो जपना है नहीं। अब निकुंज में जाकर कोई माला नहीं जपता, वहां नित्य निरंतर सेवा चलती है। 2400 घंटा सेवा सुख का स्वादन करते हैं सुबह से शाम तक सेवा। तो सेवा जिसका हम सेवा करते हैं तो उसका नाम हमारे जीव पर हमेशा है। नाम जपना नहीं पड़ता, नाम स्वतः निकलता है। सतत नाम श्री हरि प्रिया निरंतर रसना रटत नाम नित्य तेर। नित्य निरंतर जीव से प्रिया जी का नाम निकलता रहता है और हाथ से सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार प्रिया जी ले जाकर सिखलाती। देखिए मंजरियों की कितनी उत्कृष्ट सेवा है। एक बार प्रियालाल दिव्य निभृत निकुंज में एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते अचानक प्यारे श्याम सुंदर की दृष्टि प्रिया जी के नेत्र पर पड़ता है। तो प्रिया जी के नेत्र को भी प्यारे श्याम सुंदर नहीं संभालता। इतनी चाह भरी दृष्टि से प्रिया जी देखती हैं प्यारे श्याम सुंदर को, देख करके ही प्यारे श्याम सुंदर बेहोश हो गए। इसी को कहते हैं मादनाथ महाभाव, जहां तक साधारण जीव का प्रवेश नहीं।
जिस रस की हम लोग चर्चा करते हैं उस रस में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं है, शिव का प्रवेश नहीं है, देवता इत्यादि का प्रवेश नहीं है। एक बार नारद जी शिव जी से पूछते हैं कि राधा की आराधना क्या है, आप कृपा करके मुझे बतलाएं, राधा की आराधना क्या है, कैसे किया जाता है। तो कहते हैं ब्रह्मा दीना महाराध्यम दूरतः सेवते सुर। देखिए राधा रानी की आराधना केवल श्री कृष्ण करते हैं, श्री कृष्ण के छोड़कर अब कोई कर ही नहीं सकता। और राधा रानी की अतरंग भूता जो सखियां हैं, जो सखियां हैं वो राधा रानी, राधा रानी ही श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए कुंद विद्या सखी बन जाती हैं, चंपक लता बन जाती हैं, रंग देवी बन जाती हैं, सुदेवी बन जाती हैं। ये प्रिया जी की आठ भाव ही आठ सखियां और आठों भाव से सेवा करती है। और सखियों में जो उत्कट सेवा की अभिलाषा उठती है वही मंजरियां हो जाती है, ये मंजरी होकर के प्रिया जी की सेवा करती है। तो कहते हैं कि जो राधा रानी की आराधना है ब्रह्मा दीनम महाराध्यम दूरतः सेवते सुर। शिव जी कहते हैं नारद जी से कि इनकी आराधना दूर से ही देवता केवल देखते हैं, ताम राधिका जो भजते उस ब्रजरानी राधा रानी की जो आराधना करते हैं देवर से तम भजे में। शंकर जी कहते हैं कि हम तो राधा रानी जी की आराधना कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो राधा रानी की आराधना करते उनकी आराधना में ये भगवान शंकर। तो देखिए प्रियालाल निवृत्त निकुंज में प्रिया जी की दृष्टिपात से प्यारे श्याम सुंदर बेहोश होकर के गिर गए, मूर्छा हो गई। और किशोरी जी उनकी मूर्छा भंग कराना चाहती हैं लेकिन प्यारे श्याम सुंदर की मूर्छा भंग हो नहीं है। देखिए कितनी उत्कृष्ट सेवा है मंजरियों की। राधा रानी की मनोदशा देख करके तुलसी मंजरी वहां आती है और तुलसी मंजरी ऐसा तान छेड़ती है, गीत गाती है। देखिए आप लोग श्री चैतन्य चरितामृत पढ़े होंगे तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब श्री गौरांग महाप्रभु बेहोश होकर गिर जाते थे, राधा भाव विभावित श्री गौर गंभीरा में श्याम सुंदर की लीला को देख करके बेहोश होकर के गिर जाते थे, तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्वरूप किछु कर मधुर गान। स्वरूप दामोदर से कहते हैं कि हे स्वरूप कुछ गान कर। तो तद भावों पर जैसा जिस भाव दशा में श्री गौरांग महाप्रभु की मूर्छा आई है, माधनाथ महाभाव में बेहोश हुए हैं, तो स्वरूप गाय विद्यापति गीत गोविंद की। स्वरूप दामोदर विद्यापति की गीत गाते हैं, गीत सुनी प्रभु जुड़ा लिखा है। उस गीत को सुन करके श्री गौरांग महाप्रभु उस मूर्छा को भंग हो जाता है, उस दशा में आ जाते हैं। तो ये निवृत्त निकुंज में भी ये लीला चलती रहती है। कभी प्रिया जी की गुण गणों को देख करके प्यारे श्याम सुंदर मूर्छित हो जाते हैं, कभी श्याम सुंदर के गुण गण को देख करके प्रिया जी मूर्छित हो जाती है। उस समय सखी मंदिरियों की सेवा है, ये कितनी उत्कृष्ट सेवा है। आप लोग देखेंगे अभी ब्रज में हरिराम व्यास उनके तीन लड़के थे, तो एक लड़के को तो धन संपत्ति दे दी, एक लड़के को अपने जुगल किशोर की सेवा दे दी, तीन संपत्ति उनके पास था और तीनों लड़कों को बांट दी। एक को दे दिए कि तुम धन संपत्ति का अधिकारी बन जाओ, तीन, और एक को दे दिए जुगल किशोर की और एक को दे दिए तिलक्षा, तीनों में कौन है। तो बड़ा लड़का तो धन संपत्ति ले ली, दूसरा लड़का जुगल किशोर की सेवा ले लिया, और जो सबसे छोटा लड़का था जिसका नाम था किशोर दास वो तिलक छाप ले। देखिए सबसे ऊंची संपत्ति है तिलक छाप और स्वामी हरदास जी के जाकर के शिष्य बन गए, स्वामी हरदास की कृपा हो गई और तिलक छाप दिए। और भजन की पद्धति बताए कैसे भजन किया जाता है,
ये तो संत ही बताएंगे, मनोन्मुखी भजन तो होता नहीं। तो किशोरदास जी को भजन मिल गया और जमुना जी के तट पर गए और जाकर के प्रिया जी की लीलाओं का चिंतन करने लगे। तो देखिए, जब चिंतन किए तो उसी समय लीला प्रकट हो, ठाकुर जी की लीला प्रकट हो गई जमुना जी के तट। और वो छोटा बच्चा था, वो तो जानता नहीं था ये रास लीला क्या होता है, प्रिया प्रीतम की दिव्य केली रहस्य क्या है, कुछ जानता नहीं था। आज जब वो प्रिया जी की दिव्य लीला का दर्शन किया तो उसके मुंह से एक गीत निकल, तो वो छोटा सा बच्चा उस रास को देख करके गाने लगा। और देखिए, जब कोई साधक प्रेम में भर कर तो कोई गीत गाता है तो वो गीत निकुंज तक पहुंच जाता है। अब उन्हीं का गीत एक बार हरिराम व्यास और स्वामी हरिदास जी लीला चिंतन कर रहे थे, तो लीला चिंतन में ललिता सखी उसी गीत को गा रहे और हरिराम व्यास आश्चर्यचकित हो गए कि इसका बनाया हुआ गीत है। वो लड़का गीत गाया था प्रिया जी की उस दिव्य लीला को देखकर। देखिए कैसा भाषा तो नहीं है लेकिन कितना मधुर गीत है, गीत गाया है। लाल लटकंता जौवन मंता, वो लड़का गा रहा है, मैं देखा लाल लटक रहे प्रिया जी के चरण कमल की तरफ झुक रहे। लाल लटकंता जौवन मंता खेलत रास अनंता, वो लड़का देखे प्रिया जी के उस दिव्य लीला को देख करके गा रहा है। लाल लटकंता जौवन मंता खेलत रास अनंता, जमुना तीर भीर जुवतिन की मध्य राधिका कंता, लड़का देख रहा है। जमुना तीर अनंत कोटि ब्रज ज्योतियों के साथ प्रिया लाल बिहार नृत्य कर रहे हैं मध्य राधिका कंता, बीच में प्रिया जी और प्यारे श्याम सुंदर एक दूसरे की गलबहिया देकर के नृत्य कर रहे हैं। एकन के कर कंज कपोलनी परिरंभण देत हसंता, किशोर दास के स्वामी बिहारी बिहरत के लिकरंता। ये ललिता सखी गा रहे हैं और ललिता सखी उस रास नृत्य को देख करके गा रही हैं। तो इस पद को श्री हरिवंश जी हरिराम जी श्री हरिदास स्वामी हरिदास सुने तो सुन करके पूछ रहे हैं कि लीला कौन गया। ये इतना पद सुंदर जिस पद को साक्षात ललिता सखी गा रहे हैं कौन गाया है, तो स्वामी हरिदास जी कहे कि आपका ही सुपुत्र गाया, किशोरदास जी किशोरदास के स्वामी बिहारी बिहरत के निकल। उसी तरह महाराज निवृत्त निकुंज में मंजरियों की सबसे मुख्य सेवा होती है कि जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के रूप गुण को देख करके मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाती है प्रिया जी, तो रति मंजरी सखियां उनको जगाती गा कर क्या गाती हैं, तो रसिक महापुरुषों की वाणी गाती, ललिता सखी जयदेव जी की वाणी, विद्यापति जी की वाणी, गोविंद दास की वाणी, ये जो महापुरुषों की वाणी है वो गाती और गा गा करके उनको प्रसन्न करती। प्रिया जी की कभी प्यारे श्याम सुंदर की गीत गा करके प्रिया जी को चेतनता लगती है, प्रिया जी के गुण गण को गा करके इनकी चेतनता लगती है। तो देखिए एक प्रिया जी के रूप गुण को देख करके प्यारे श्याम सुंदर की क्या स्थिति हो गई है, राधा माधुरी के स्वादन में मूर्छित नागर की मूर्छा भी उस गान को सुन करके धीरे धीरे टूट रही है। क्रमशः नागर ने लीला की योग्यता प्राप्त की जब गीत गाएगा, कैसे कैसे गीत गाते हैं, विद्यापति जी का एक गीत है गाते हैं, धन धन रमनी जनम धनी तोर। मंजरी कहती है कि अरे एक ब्रजरानी राधा रानी तुम्हारा जन्म ही धन्य है, सब जग कान कान कही झूरे से तू भाव विभो,
सारा संसार तो कृष्ण 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 गाता रहता है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। वह श्री कृष्ण तुम्हारे भाव भंगिमा को सहन भी नहीं कर पाते हैं, वो रात दिन तुम्हारा ही गुणों का चिंतन करते रहते हैं, तुम्हारा ही नामों का जप करते रहते हैं, तुम्हारा ही कीर्तन करते रहते हैं। इस प्रकार मंजरियां जब गाती हैं तो प्रिया जी श्याम सुंदर का होश, प्रिया जी का होश खुलता है, छूट जाता है। श्याम सुंदर संकेत स्थल पर जाते हैं, प्रियालाल निवृत्त निकुंज में जो सेवा होती है, तो देखिए ये जो व्रज की आराधना है परकीय भाव की आराधना, ये स्वकीय भाव नहीं। स्वकीय भाव की आराधना यहाँ नहीं है, इसीलिए व्रज गोपियों की इतनी भारी महिमा, सीता जी से रुक्मिणी जी से राधा रानी की महिमा क्यों अधिक है, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग राधा रानी ही की है, सीता जी नहीं की। क्योंकि भागवत में सुखदेव जी कहते हैं आज पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतभिर विमृख्या। प्यारे श्याम सुंदर के लिए सर्वस्व त्याग कौन किया, तो राधा रानी। कैसा त्याग की, तो आज पद की मर्यादा का भी तोड़, धर्म कर्म सबको त्याग भी श्री कृष्ण की प्रीति के लिए। इसीलिए प्रिया जी की महिमा इतनी अधिक हो जाती है। और वो प्यारे और मंजरी कह रही है कि देखो प्यारे श्याम सुंदर, तुमने जो संकेत स्थल पर बुलाई है, तो उस संकेत स्थल पर प्यारे श्याम सुंदर जा करके तुम्हारे नाम का कीर्तन कर, और तुम जितना देर कर रही है उतना उनका तड़पन बढ़ जाए। एक गीत गाती है, मंजरियां गाती है मंजरी। एक आचार्य का पद है कि प्यारे श्याम सुंदर कदम के तट पर बैठ करके प्रिया जी का इंतजार कर, और एक पद मंजरी गा करके प्रिया जी के हृदय में त्वरा उत्पन्न करा। नंदक नंदन कदम देर तरु तर धीरे धीरे मुरली बजाव। मंजरी गा रही है कि हे प्रिया जो नंदक नंदन, नंद का जो लड़का है, कदम के पेड़ के नीचे बैठ करके और मधुर मधुर मुरली बजा रहा है। समय संकेत निकेतन बैसल, आपके कथनानुसार समय पर संकेत स्थल पर आ गए। अबेरी बेरी बोल पठाव, बार बार उस मुरली से राधा 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 नाम का झंकार कर रहे हैं। कौन श्री कृष्ण, कौन श्री कृष्ण जिनको सब चाहता है, सब आराधना करता है कि श्री कृष्ण हमारे बस में हो जाए, हमको एक बार दर्शन दे। लेकिन वह श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी। हे सामरी, हे स्वामी जी, आपके लिए वह श्री कृष्ण अनुखन प्रतिक्षण व्याकुल है, पागल हो गए हैं। यहाँ तक कि जमुना जी के तट पर जो कोई भी आता है सबसे क्यों नहीं पूछते हैं किशोरी जी कहाँ गई, राधा रानी कहाँ गई। जमुना के तीर उपवन उद्वेगल फिर तत ही निहार, जमुना जी के तट पर जो भी आता है उसे यही केवल पूछते रहते हैं, प्रिया जी कहाँ गए। तत ही निहार गोरस बेचत अवैत जाए, दूध बेचने वाली जितनी भी गोपियां जाती हैं अब उनके रास्ता पर खड़े होकर केवल तुम्हारा ही नाम लेते हैं। तो हेमतिमान सुमति मधुसूदन, हे प्रिया जो देखो सारा जगत से उत्कृष्ट जो श्री कृष्ण है वो आपकी आराधना कर रहे हैं। वचन सुना किछु मोर, मंजरी कह रही कि हे प्रिया जो मेरी एक वाणी को सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए, कि आप भी अब देर मत कीजिए, भनई विद्यापति सुनकर जौवती बंदर नंद किशोर। अब तुम आप सब कुछ छोड़ करके नंद नंदन श्री कृष्ण की ही आराधना करो, उन्हीं की पूजा कीजिए। तो देखिए एक किंकरियों की ये रहस्यमय उपासना महाप्रभु का देन, श्री गौरांग महाप्रभु जगत में आकर के
केवल इसी रस को देने के लिए उनका अवतार दिया। आज तक सृष्टि में यह अवतार कोई नहीं दिया था, न कोई अवतार दिया था, न कोई संत महापुरुष दिए थे, जिस रस को देने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। जब श्री गौरांग महाप्रभु इस जगत में आ रहे थे तो कलयुग था, तो कलयुग था तो धर्म का धर्म भी नहीं, कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण का, श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार नाम संकीर्तन के लिए नहीं हुआ। नाम क्या है तो नाम उस समय युग धर्म था, तो धर्म के पालन करने के लिए दे दिए नाम संकीर्तन, क्योंकि कृष्ण का अवतार होता है धर्म संस्थापनार्थ है संभवानी युगे युगे। तो कलयुग का धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन का अवदान दी, लेकिन भीतर जो अतरंग भाव का मंजरी भाव अनर्पित चरित चिराग करुणयावतीर्ण कलह, जो आज तक जिस रस का कोई अवदान नहीं दिया, जो राधा पद दास, देखिए ये श्री कृष्ण की हृदय की राज की वस्तु है, किसी को दिया नहीं जाता है, लेकिन इसीलिए श्री गौरांग महाप्रभु को महादानी कहा गया है। अपने हृदय की वस्तु लेकर के इतनी बड़ी संपत्ति को बांट करके गए, जगत में बांट करके गए, और उसको प्राप्त करने का और व्यवस्था भी बताई थी कि कैसे दिया जाता है। यही किंकरी भाव की रहस्यमय उपासना श्री गौरांग महाप्रभु का महादान। भाव के बिना रस का स्वादन नहीं और रस के बिना भाव की अभिव्यक्ति नहीं। इसलिए जो नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं तो नाम संकीर्तन भाव युक्त जब कहा गया है। नाम संकीर्तन दो तरह का है, सत्संग भजन, एक भजन किया जाता है जिसका हम नाम रटते हैं, उसका चिंतन करते हुए उनकी लीलाओं का स्मरण करके भगवान का भजन। एक ऐसे ही छोटा नाम ले रहा है, हरे कृष्ण कह रहा है, ये भी खराब नहीं। ऐसे भी यदि नाम ले रहा है तो ये नाम तो कल्पतरु है, जो मांगेंगे वो दे देगा, लेकिन ऐसे देने से तो आप फंस जाएंगे। तो भगवान का नाम तो कल्पतरु है, मठ मंदिर मांग लेंगे दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, धन दे देगा, वैभव दे देगा, लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं। तो नाम रखना है तो किस तरह नाम रखना है, श्री गौरांग महाप्रभु बताए। जे रूपे लोहिते नाम प्रेम उपज, जैसे नाम संकीर्तन करने से श्री जी के चरण कमल में प्रीति हो, उसका उपाय श्री गौरांग महाप्रभु बता रहे। तो उसमें यही जो शिक्षाष्टक है, न धनम न जनम अई नंद तनुज किं करम, नयनम गलतस्तु धारिया बदनम गदगद रुधिया गिरा, और अंत में आश्लिष्यवा पाद रताम पि नष्टु मां। ये महाप्रभु ने नाम रटने की प्रक्रिया दिया, नाम कैसे रटा जाता है इसके लिए शिक्षा सकली है, ऐसे नाम रखना। और अंत में वही प्रिया जी का जो दास भाव है, उस दास भाव को श्री गौरांग महाप्रभु दिए। यही रसराज महाभाव मिलित बपु श्री कृष्ण चैतन्य देव को ही एक करुणा का अवधान। राधा भाव विभाव श्री गौरांग महाप्रभु इस जगत में आकर के यही करुणा दिए है। क्या दिए हैं कि श्री किशोरी जी के चरण कमल में प्रीति हो, यही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि वो इस मंजरी की सेवा कब ऐसी प्राप्त होगी कि राधा के विरह में प्यारे श्याम सुंदर जब मूर्छित होंगे, और श्याम सुंदर के भाव में जब प्रिया जी मूर्छित होंगी, तो उस समय हमारी सेवा होगी। उसी समय शिक्षा दे रही थी राधा रानी, सिखा रही थी मंजरी को कैसे गीत गाया जाए। देखो भाई, गीत भी बहुत प्रकार का है, तो मादनाख्य महाभाव का गीत क्या है, तो ये गीत होगी, ये विद्यापति, ये मादनाख्य महाभाव का गीत है, जिस गीत को श्री गौरांग महाप्रभु गंभीरा में रह करके गीत गाते। तो उसी समय जब गीत गा रहे थे और प्रिया जी निवृत निकुंज में तुलसी मंजरी को गीत सुना रही थी, उसी समय कुंज रंग से प्यारे श्याम सुंदर सुमीला का दर्शन, महाभाव स्वरूपा स्वयं किशोरी जी गान कर रही हूँ और तुलसी मंजरी चेली बनकर के शिक्षा ले रही है, और श्री गौर भगवान स्वयं साक्षात श्री हरि उस रस का, उस कीर्तन को देख रहे हैं। उसी समय महाराज श्री कृष्ण देखे, तो देख करके तुरंत जब प्रिया जी देखी कि श्याम सुंदर इस कुंज में आ गए हैं, तो प्रिया जी को देख कर तुरंत, उसमें तो घूंघट था नहीं, तुरंत घूंघट निकाली,
स्वामी जी के चरण कमल पर गिर गए। अब उस समय श्याम सुंदर आकर के प्रिया जी से प्रार्थना करते हैं। तब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर से कहते हैं, देखिए प्रिया जी भी श्याम सुंदर से कहते हैं, देखिए श्याम सुंदर किशोरी जी के चरण कमल में प्रार्थना करते हैं, किशोरी जी प्रिया जी को प्रार्थना करती हैं। प्रिया जी कहती हैं, तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं, अमित प्रेम सौभाग्य मिला, पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। देखिए प्रिया जी की वाणी है, ये माधना के महाभाव यही रस। प्रिया जी कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, जीवन भर तो तुम हमको देते रहे, कहां क्या नहीं दिया, अमित प्रेम सौभाग्य मिला, पर मैं कुछ भी दे सके नहीं, क्या नहीं दिया तुमने, इतने पर भी मेरे त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी, दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी, क्या नहीं दिए, तमसि मम जीवनम, तमसि मम भूषणम, देहि पद पल्लवम उदारम। प्रिया जी के श्री चरण कमल में गिर करके प्यारे श्याम सुंदर बार बार कातर दृष्टि से प्रार्थना करते हैं। यह देख करके ही प्रिया जी कहती हैं, मेरी त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी, अदिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी, इतना पर भी तब भी कहते दे न सका मैं तुमको कुछ भी है प्यारी, इतना देने के बाद भी हाथ जोड़ करके कहते हो कि मैं तुझको कुछ नहीं दिया, तुम ही सील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। देखिए माधना के महाभाव में प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण कमल पर प्रार्थना करते हैं, और प्रिया जी किशोरी जी प्रार्थना करती हैं। यहाँ पर यहाँ तक कि प्रिया जी कहती हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, आपकी उस अवदान, आपकी उस लीला, आपकी यह सेवा को देखकर मैं शर्मा जाती हूँ, लज्जित हो जाती हूँ, क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख लजाती अपनी हो। देखिए प्रेम है, प्रेम हमेशा अतृप्त ही रहता है, जब तृप्त हो गया तो प्रेम नहीं, इतना करने के बाद भी। यहाँ तक श्याम सुंदर कहते हैं कि हे प्रियतमे राधिके, तेरी महिमा अनुपम अकथ अरूप। राधा रानी जब प्यारे श्याम सुंदर की इस प्रकार प्रार्थना करती हैं, तो प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं कि आपकी उपमा किसी से नहीं, राधा रानी की तुलना कोई कर नहीं सकता है, न सीता जानकी जनक नंदनी कर सकती है, न पार्वती कर सकती है, न अरुंधति कर सकती है, कहाँ तक है, कोई इनकी रुकड़ी सत्यभामा कोई नहीं कर सकती।